एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंपटीशन के जब हम लोग लास्ट फेज में रहते हैं तो वर्कआउट पूरी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इंजरी फ्री वर्कआउट करें, ऐसा वर्कआउट करें जिसमें इंजरी का चांसेस बहुत कम हो। हेलो, तो उम्मीद है सब छोटे बड़े भाई अच्छे होंगे और आज हम लोग देखेंगे आर्म्स का वर्कआउट कि कम समय में 40 से 45 मिनट में आप लोग अपने बाइसेप ट्राइसेप को कैसे अच्छे से हीट कर सकते हैं। और अभी अपने गेम का कुछ दिन बचा हुआ है कंपटीशन का, तो आप लोग देखिए जल्दी से कि कैसे आप लोग कम समय में अपने वर्कआउट को आर्म्स का जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अच्छा पंप पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वर्कआउट। तो पहला वर्कआउट अपना हम लोग मशीन से ही स्टार्ट करेंगे। आज अपना जितना भी वर्कआउट होगा उसमें मोस्टली हम लोग मशीनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आर्म्स के बाइसेप का ये पहला वर्कआउट है जिसमें हम लोग बैठ के ये कर्ल बार को इसमें सेट करेंगे, उसके बाद अपने वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पंद्रह से बीस रैप्स अभी हम लोग करने का कोशिश करेंगे क्योंकि अब अपना कटिंग स्टार्ट हो गया है, कंपटीशन नज़दीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक मॉडरेट वेट के साथ रेपिटेशन को पूरा हाई रखने का कोशिश करते हैं। तो जो भाई अभी कटिंग स्टार्ट किए हैं इस वर्कआउट प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वर्कआउट में। तो ये अपना दूसरा वर्कआउट है। वर्कआउट दिखने में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस मसल ग्रुप को हम लोग इस टाइप के ट्रेनिंग से हिट करते हैं, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए और ट्राई करिएगा पहले, उसके बाद एक्सप्लेन वीडियो आएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है एक्सप्लेन करने में ना, और आप लोग देखते नहीं है पूरा वीडियो, इसीलिए आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा मेरे जितने भाई हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसका भी सेम करेंगे हम लोग, से कोशिश करना क्योंकि बॉडी अभी भी कटिंग फेज में चल रही है, डाइट भी अभी कटिंग फेज का है। और आप लोग बताइए कि बॉडी पहले से मेरी चेंज हो रही है या फिर वैसी ही है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये अपना है तीसरा वर्कआउट, ये भी बाइसेप्स का वर्कआउट है, इसको भी आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फील हुआ, ठीक है। इसका हम लोग 10 से 15 करेंगे रेपिटेशन, मॉडरेट वेट से, एकदम लाइट वेट नहीं लेना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। तो ये अपना बाइसेप्स का लास्ट वर्कआउट है, डंबल हैमर कर्ल। इसको परफॉर्म करने के बाद हम लोग ट्राइसेप पे स्विच करेंगे, ठीक है। इसको आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए ना दोनों हाथ से एक बार करने का, उसके बाद डिफरेंस फील कीजिएगा और हमको भी बताइएगा। अब ट्राइसेप का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं आपको ट्राइसेप के वर्कआउट वीडियो में। तो अभी ट्राइसेप का पहला वर्कआउट हम लोग स्टार्ट करेंगे रोप से पुश डाउन करके, ठीक है। इसका भी 4 सेट 10 से 15 रेपिटेशन।
चलिए अब स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप का दूसरा वर्कआउट। तो ये ट्राइसेप का दूसरा मोमेंट है, इसमें हम लोग पुल्ली का यूज करेंगे और ग्रिप करेंगे थोड़ा रिवर्स उल्टा, ठीक है। इसका भी सेम करेंगे 10 से 15 रेपिटेशन। तो ये अब अपना ट्राइसेप का अगला वर्कआउट है, ठीक है। इसको अपने हाइट से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे बस, और ऐसे ग्रिप करके इस पोस्चर में इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसका आपको 20 से 25 रेपिटेशन करना है। इसी पोस्चर में इसका 20 से 25 रिपीटेशन हम लोगों को निकालना है, पूरा 4 सेट करना है। तो चलिए अपने आर्म्स का वर्कआउट हो गया खत्म। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंपटीशन के जब हम लोग लास्ट फेज में रहते हैं तो वर्कआउट पूरी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इंजरी फ्री वर्कआउट करें, ऐसा वर्कआउट करें जिसमें इंजरी का चांसेस बहुत कम हो। इसलिए अभी हम लोग भारी भारी डंबल से कर्ल नहीं किए, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस नहीं किए ट्राइसेप के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारा एक्टिविटी को, बहुत सारा मूवमेंट को हम लोग अभी अवॉइड करते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से पूरी ड्राई होती है, मसल हम लोगों का पूरा अभी कार्बोहाइड्रेट अच्छे से हम लोग खाते नहीं है, ठीक है, बॉडी में उतनी जान नहीं होती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इंजरी फ्री वर्कआउट को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं लास्ट समय में। तो चलिए, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे करके ऐसे ही हम लोग अपने चैनल पे बहुत सारा नया नया कंटेंट लाते रहेंगे, वर्कआउट का प्लान, डाइट का प्लान, पीक वीक कैसे करते हैं, बॉडी का कंडीशनिंग को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।